हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। प्रोसेस कॉस्टिंग मैंने एक टॉपिक है, इंटर प्रोसेस ट्रांसफर एट प्रॉफिट। मतलब एक प्रोसेस फिर बी प्रोसेस फिर सी प्रोसेस, तो ए प्रोसेस से माल बी में जाता है, बी से सी में जाता है, पर कुछ हिस्सा इन लोग क्या करते थे, इधर ही सोल्ड आउट कर देते हैं। तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट चेक किया जाता है। तो अभी एक सम भी ओरली करा दूंगा तो आ जाएगा। द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इधर से उधर एट कॉस्ट। क्या बोला? एट कॉस्ट। बट समटाइम आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस मे बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एट नॉट एट कॉस्ट प्राइस बट एट इन्फ्लेटेड प्राइस। इन्फ्लेटेड बोले तो जो मार्केट में प्राइस चल रहा है कॉस्ट से ज़्यादा रहता है। तो इन्फ्लेटेड प्राइस मे बी करंट प्राइस और मे बी कॉस्ट प्लस प्राइस। तो इसके हिसाब से उस पर प्रॉफिट निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? प्रॉफिट। मतलब हर बार क्या है, कॉस्ट पे ही ट्रांसफर होता है तो नो इशू। पर कभी कभी मार्केट प्राइस चेंज होता है ना, जैसे आज हमने, जैसे अगर वड़ा पाव बना रहे हैं तो आलू आज हम लोग को 10 रुपये किलो के हिसाब से मिला है, पर एक महीने के बाद अपने को आलू 12 रुपये के हिसाब से मिला है। तो आज 10 है, 10 का उधर माल ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा ना, यही सब है। तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में क्या होता है, वेन द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस एट एन इन्फ्लेटेड प्राइस, प्राइस दैट इज मतलब जो मार्केट में चल रहा है, तो जब भी इन्फ्लेटेड प्राइस होगा तो प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? मतलब कैसे, अभी हमने आलू खरीदा 10 का और अपने को मार्केट में चल रहा है आलू 8 का, तो इसके हिसाब से इन्फ्लेटेड के हिसाब से अपन को कुछ प्रोसेस में प्रॉफिट हो रहा है। तो इससे क्या होता है फायदा, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू एसेस द एफिशिएंसी। इससे मालूम पड़ेगा कौन सा प्रोसेस में अच्छा फायदा हो रहा है। इट डज नॉट परमिट द इकोनॉमिक्स ऑफ इफेक्ट इन वन प्रोसेस। मतलब एक डिपार्टमेंट एक प्रोसेस का नुकसान या फायदा दूसरे डिपार्टमेंट को इफेक्ट नहीं करता है और मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसान हो जाता है। नहीं झूठ भी बोलते चलेगा, आसान होता नहीं है डिसीजन लेने के लिए। अभी जैसे कि क्वेश्चन दिया है राइट, तो ऐसा आपको प्रोसेस बनाना रहेगा एक्स वाई जेड फिनिश गुड्स। तो ये प्रोसेस बना देने का रहता है। तो मटेरियल कितना लाए? 14,000 मटेरियल लिखेंगे, 14,000 वेजेस हुआ 18,000, 18,000 लिखेंगे तो ऐड करके 32 आएगा, ऐड करके 32 आएगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। क्या माइनस करना है? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया? 4,000, इधर भी 4 डालेंगे, 32 में से 4 गया 28, 32 में 4 गया 28। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड दिया, क्या दिया? फैक्ट्री का खर्चा। फिर फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। तो सेम सेम है। अभी इधर क्या बोला है, 20% ट्रांसफर हो रहा है। कितना परसेंट प्राइस ट्रांसफर हो रहा है? तो ये कितना अमाउंट है? 40,000। तो अब क्या करेंगे, 40,000 लिखेंगे इंटू 100 डालेंगे। क्या करेंगे? इंटू 100। ये कितना परसेंट है? 20। तो नीचे क्या करेंगे, मतलब 100 में से 20 माइनस करो 80। तो 40,000 का ये टोटल कॉस्ट है जो ऊपर से आया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके आया, इंटू 100 करने का। अगर इधर 20 है तो नीचे कितना लिखेंगे? 80। अगर इधर 10 है तो नीचे कितना आएगा? 90। इधर 25 है तो नीचे कितना आएगा? 75। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो तुमको 50,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? और 50 में से 40 गया तो 10,000 प्रॉफिट आ गया ना। तो ये 10,000 प्रॉफिट, इसको ही इंटर प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो ये क्रेडिट से उठा के डेबिट में ले देंगे। तो इस तरह ना तुमको प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा ऐसे एग्जाम में, एक फॉर्मेट बना देने का राइट। और कुछ भी स्टॉक बचता है तो उसको स्टॉक रिजर्व में डाल देते हैं, कुछ भी स्टॉक बचता है तो स्टॉक रिजर्व में डाल देते हैं राइट। इस तरह तुम्हारा इंटर प्रोसेस के बारे में तुमको 5-6 आधा पेज तो लिखना ही पड़ेगा ठीक है। और ये फॉर्मेट बना देना ऐसा है, उसको कॉपी कर दो राइट। तो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस ट्रांसफर करते वक्त इन्फ्लेटेड प्राइस में क्या प्रॉफिट हुआ वो शो होता है ठीक है।